हेलो स्टूडेंट्स, आज की स्टडी के अंतर्गत हमने लिए है क्लास नाइन्थ इंग्लिश बी हाइव। इसका हम लेसन नंबर वन द फन दे हैड की एक्सरसाइज नंबर वन जो कि पेज नंबर 10 में दी है वो करने जा रहे हैं। आंसर दिस क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी कितने उम्र के थे? एंड द आंसर इज मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड। मार्गी जो है 11 वर्ष की है और टॉमी जो है वह 13 वर्ष का है। यह था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था? एंड द आंसर इज मार्गी रोट इन हर डायरी टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्गी ने लिखा था उसकी डायरी में कि आज टॉमी ने एक बुक का पता किया है, मतलब टॉमी को आज एक बुक मिली है, वास्तविक पुस्तक मिली है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी ने इससे पहले कोई पुस्तक देखी थी? एंड द आंसर इज नो शी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। नहीं, उसने पहले कभी पुस्तक नहीं देखी थी। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। उसने पुस्तक के विषय में क्या अजीब बातें पाई? एंड द आंसर इज द बुक वॉज प्रिंटेड ऑन पेपर। बुक जो थी पेपर में छपी हुई थी, प्रिंटेड थी। द वर्ड्स स्टूल स्टिल एंड डिड नॉट मूव एज दे डिड ऑन अ स्क्रीन। और जो शब्द जो थे बिल्कुल स्थिर थे, वे गतिमान नहीं थे जैसे कि स्क्रीन पर होते हैं। व्हेन द पेजेस वॉज टर्न्ड, जब पेज को पलटाया जाता था, दे हैड द सेम वर्ड्स, तो उसी तरीके के शब्द भी दिखते थे जैसे कि पहले शब्द दिखे थे। द पेजेस वर येलो एंड क्रिंकली, और जो बुक के पेज जो थे वो पीले कलर के थे और सिलवटों वाले थे। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज। टेलीबुक के बारे में आप क्या सोचते हो? एंड द आंसर इज अ टेलीबुक इज अ बुक हैविंग ई टेक्स्ट। टेलीबुक एक वह पुस्तक होती है जिसमें ई टेक्स्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक अक्षर होते हैं। इट इज लाइक अ मोबाइल और कंप्यूटर पेज, जैसे कि हम मोबाइल और कंप्यूटर का पेज होता है। एंड हैज अ स्क्रीन, और जिसकी एक स्क्रीन होती है, जैसे कि हम अभी मोबाइल में देख रहे हैं, ये एक टेली बुक कह सकते हैं, ई टेक्स्ट कह सकते हैं। वन कैन रीड इट्स मूविंग वर्ड्स एंड लाइनर, और हम इसके मूविंग वर्ड चलते हुए वर्ड्स को रीड कर सकते हैं, इसकी लाइन को हम पढ़ सकते हैं, अपनी उंगली से टच कर हम इसे आगे भी कर सकते हैं। तो यह होती है एक टेली बुक। क्वेश्चन इज वेयर वॉज मार्जिस स्कूल, डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स। एंड द आंसर इज मार्गीज स्कूल वॉज द रूम नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी का जो स्कूल था वो एक रूम था, कमरा ही था उसका, जो कि उसका बेडरूम था। नो शी हैड नो एनी क्लासमेट्स, और उसके कोई भी क्लासमेट्स, उसके कोई भी मतलब मित्र नहीं थे। मार्गी का जो कमरा था वहाँ पर कंप्यूटर या लैपटॉप में वो अपनी स्टडी करती थी, और ना कि किसी समूह में, जिस तरीके से हम स्कूल में करते हैं उस तरीके से वह स्टडी नहीं करती थी, इसीलिए उसका कोई क्लासमेट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। मार्गी और टॉमी कौन से विषय पढ़ते थे या सीखते थे? The answer is they learnt history, geography and arithmetic. वे इतिहास, भूगोल तथा अंकगणित पढ़ते थे या सीखते थे। और यहाँ पर हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज इस लेसन की समाप्त होती है जो कि पेज नंबर 10 में दी हुई है। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसी पेज नंबर के अगली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 2 एंड एक्सरसाइज नंबर 3। आशा करते हैं कि आपको समस्त एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।